जैसे ही देवताओं ने पहुंचा बाबा के पास, भोलेनाथ ने कहा, कहिए देवगण, आप लोग कैसे पधारे? देवताओं ने कहा, बाबा इस देवलोक में कोई उत्सव नहीं हो रहा है, हम लोग आनंद उत्सव नहीं मना रहे हैं। आप जो है विवाह करिए, हम लोग आनंद उत्सव मनाना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा, नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान दिलाया कि बाबा आपने परमात्मा को वचन दिया है विवाह करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तब बाबा को ध्यान आ गया, हाँ हाँ मैंने तो वचन दिया है मुझे विवाह करना है, अब जाओ आप सब लोग तैयारियां करो, मैं विवाह करूंगा। अब सब लोग झूम के नाचने लगे कि आज मेरे भोले की शादी है। छाछ मृदंग सहनाई बजने लगा, सब लोग झूम के नाचने लगे। इधर सब देवता लोग गए अपने अपने श्रृंगार में लग गए, सजने लगे अपने अपने विमानों को सजाने लगे। परंतु इधर भोले बाबा एक किनारे बैठे, उनको तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि वो भी श्रृंगार करेंगे या नहीं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दो गण आए, दौड़ते दौड़ते बाबा के पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा सब लोग इतने सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं और आप तो दूल्हे सरकार बन के जाएंगे, आप भी श्रृंगार कर लीजिए ना। बाबा ने कहा, नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। गणों ने कहा, नहीं नहीं बाबा आप बस बैठे रहिए, हम लोग सब कुछ कर देंगे। अब श्रृंगी भृंगी दोनों लोग आए, अब बाबा का श्रृंगार करने लगे। एक बिच्छू लाए और ला करके कानों में कुंडल पहना दिए, और एक बिच्छू जो नीचे का लटकन होता है वो लटकन झूला दिया। सर्प को लाए और गले में जयमाल पहना दिए, बाल को ऐसे उठा करके यहाँ पे जटा बना दिए और एक सर्प से बांध दिए। सर्प का ही बाजू बंद बना दिए, बासुकी नाथ को लेकर के आए, जनेऊ धारण कर दिए, जनेऊ पहना दिए, जनेऊ का काम हो गया, श्रृंगार हो गया। अब मुकुट भी तो चाहिए ना, जो मौर होता है दूल्हे के सिर पे मुकुट भी चाहिए। अब मुकुट कहाँ गए, और पतला पतला सांप लेकर के आए, पतले पतले सांप को ऊपर से यहाँ पे बांधे और नीचे से लटका दिए, पोंछिया पोंछ के तरफ से इसे नीचे लटका दिए, मुकुट का काम कर दिया। और जैसे ही मुकुट लटकाए उसके बाद शमशान में जाते हैं, शमशान से बभूत लेके आते हैं और जगह जगह थोप दिए, लगाए नहीं थोप दिए जगह जगह। और जैसे ही थोपे और जिस बाघंबर पे बैठे थे, गणों ने कहा, बाबा थोड़ा सा उठ जाइए। बाघंबर को उनके कमर में बांध दिए और वो बाघंबर इतना टाइट, और बाघंबर को कमर में लपेट करके सर्पों से बांध दिए और सर्पों से कह दिए कि सुनो हम लोग हिलेंगे तो हिलेंगे, परंतु तुम मत हिलना, अगर तुम लोग हिल गए कहीं बारात में तो क्या हुआ कि बाबा का सारा इज्जत ही चला जाएगा, इसलिए तुम हिलना नहीं, नहीं तो बाघंबर खुल के नीचे गिर जाएगा। सर्पों ने कहा, ठीक है हम लोग नहीं हिलेंगे। अब श्रृंगार कर दिए,
अब सब लोग अपने अपने विमानों पे सज करके चलने लगे। देवताओं ने मस्त हो करके चलना प्रारंभ कर दिया, झूम के नाचने लगे। आज मेरी भोले की शादी है। और देखिए जिनको जिनको भी परछावन करना है, जेकरा जेकरा लोरहा से परिचय बा, उआ के शंकर जी के परछावन कर ली, क्योंकि जन्म जन्मांतर का जब भाग्य उदय होता है तो भगवान को परिचने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए ये अवसर चूकने नहीं देना है, ये समय बार बार नहीं आता है।